हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हो? मैं हूं अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म भूल भुलैया के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मेरा छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी शेयर करूंगा। सो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों भूल भुलैया आज से ठीक 17 साल पहले मतलब 2007 12 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमीषा पटेल, शाइन आहूजा, परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, मनोज जोशी और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों भूल भुलैया एक मिस्ट्री कॉमेडी हॉरर मूवी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था किशन कुमार और भूषण कुमार ने और इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। म्यूजिक दिया था प्रीतम ने और गाने लिखे थे समीर और सैयद कादरी ने। तो दोस्तों भूल भुलैया का बजट था 32 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 3.88 करोड़ और पहले वीक के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 23.50 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 49.10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुआ था। अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं दोस्तों, एक आउटस्टैंडिंग हॉरर कॉमेडी मूवी है। डेफिनेटली आपको ये फिल्म ज़रूर एंटरटेनमेंट देने में कामयाब होगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार का जो एंट्री है वो 40-45 मिनट बाद होता है, लेकिन फिल्म स्टार्टिंग से ऐसा ग्रिप पकड़ता है ना, आपको उनका जो एब्सेंस है वो कभी भी महसूस नहीं होगा। इतना बढ़िया मूवी है और सभी आर्टिस्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अक्षय कुमार ने ब्रिलियंट काम किया है, मतलब उनका जो कॉमिक पोर्शन था बेहतरीन था, बहुत ही बढ़िया काम अक्षय कुमार ने किया है इस फिल्म में। विद्या बालन रियली इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने भी की है। अमीषा पटेल ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फिल्म में और सानिया आहूजा डिसेंट काम किया है इस फिल्म में। परेश रावल इम्प्रेसिव, जितने भी सह कलाकार थे बहुत ही बढ़िया काम किया है और राजपाल यादव वो लाल बेल में बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल सब कुछ मिला के एक परफेक्ट एंटरटेनिंग मूवी है। गाने भी अच्छे हैं इस फिल्म में और डेफिनेटली अगर आप कॉमेडी मूवी हॉरर जोन के देखना पसंद करते हो डेफिनेटली इस फिल्म को मिस मत करना। हालांकि इसके बाद भूल भुलैया 2 भी रिलीज हुआ था और कुछ दिन बाद भूल भुलैया 3 भी रिलीज होगा, लेकिन मैं लिख कर देता हूँ भूल भुलैया 2-3 जितना भी पार्ट आए लेकिन पहला पार्ट जैसा फिल्म नहीं बनेगा। इतना बढ़िया बना था ये पहला पार्ट और अक्षय कुमार को छोड़कर ये फिल्म कुछ भी नहीं होगा। मतलब अक्षय कुमार ने जो काम किया है, अगर भूल भुलैया 2 में भी अक्षय कुमार होते तो बढ़िया होता। हालांकि भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, लेकिन फिर भी भूल भुलैया फर्स्ट पार्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। दोस्तों इस फिल्म में पहले अक्षय कुमार के रोल के लिए सैफ अली खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश सैफ अली खान इस रोल को कर नहीं पाए और फाइनली अक्षय कुमार कास्ट हुए। लेकिन मैं जरूर कहूंगा अक्षय कुमार नहीं होते इस फिल्म में तो ये फिल्म डेफिनेटली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं होता। अगर सैफ अली खान ये रोल करते तो डेफिनेटली वो मज़ा नहीं आता जो अक्षय कुमार करने के बाद आया। दोस्तों ब्रिलियंट अक्षय कुमार इस फिल्म में काम किया है, ये मैं लिख कर देता हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना और देखने के बाद कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और दोस्तों इस फिल्म में पहले शाइनी आहूजा के रोल के लिए अभिषेक बच्चन को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारण के चलते हुए अभिषेक बच्चन इस रोल को नहीं किए और फाइनली शाइनी आहूजा कास्ट हुए। लेकिन अभिषेक बच्चन होता तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि शाइनी आहूजा उतना ज़्यादा बढ़िया काम इस फिल्म में नहीं किया है। दोस्तों इस फिल्म में अवनी जो पार्ट विद्या बालन ने प्ले की थी इस फिल्म में, उस रोल के लिए पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन ऐश्वर्या राय के मना करने के बाद रानी मुखर्जी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन रानी मुखर्जी ने भी इस रोल को नहीं की और फाइनली विद्या बालन ये पार्ट प्ले की थी इस फिल्म में। इस फिल्म में पहले अमीषा पटेल के रोल के लिए कैटरीना कैफ को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारण के चलते हुए कैटरीना कैफ इस रोल को नहीं कर पाई और फाइनली अमीषा पटेल इस फिल्म में कास्ट हुई थी। तो दोस्तों ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे कूल मैन।